नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह सत्तावत एचपी एजुकेशन के माध्यम से राजस्थान इतिहास के जो वीडियो चालू किए हम लोगों ने उसमें उसी श्रृंखला में चौथा वीडियो राजस्थान के इतिहास के स्रोत को जानने का हमने बनाया है। और आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत की बात करते हैं। आपको जैसा कि पता है, हमने पहले राजस्थान के इतिहास के स्रोत को दो भागों में विभाजित किया था। पहला पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमने अभिलेख, मुद्राएं, मृदभाण और अभिलेख मुद्राएं मृदभाण और हमने बात की थी ताम्रपत्र की, ताम्रपत्र जिन्हें हम दान पत्र भी कहते हैं। अभिलेखों को हमने चार भागों में विभाजित किया था। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा मूर्तिलेख और चौथा गुहालेख। इसके बाद हमने यह भी कहा था कि अभिलेखों को पढ़ने की कला को एपिग्राफी कहा जाता है। बात की थी हमने मुद्राओं की, मुद्राओं को पढ़ने की कला को कहा गया था न्यूमस्मेटिक, न्यूमस्मेटिक। और मुद्राएं जो प्राचीन मुद्राएं हैं उनको हमने पंचमार्क, आहत और गधैया इन तीन नाम से पुकारा था। हालांकि एक ही प्रकार की मुद्राओं को तीनों नामों से पुकारा जाता है, जिसको हमने डिटेल में कल इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। मुद्राओं को पढ़ने की कला को न्यूमस्मेटिक, और इस न्यूमस्मेटिक के जनक थे जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। इन सब बातों की जानकारी हमने, इसके अलावा मृदभाण अलग अलग सभ्यताओं के हम अलग अलग जानकारी लेंगे, वो उसकी बात भी हमने कल कर ली थी। ताम्रपत्र और दानपत्र, क्वेश्चन यहाँ पे आपके ये आएगा कि किससे संबंधित थे, तो भूमिदान से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? भूमिदान से। आज हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत में वो सब पुस्तकें आएगी जिनका संबंध कहीं ना कहीं इतिहास की जानकारी से है, या उनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब ये साहित्यिक साधन कौन कौन से हैं, तो हम इसको कई भागों में विभाजित करते हैं। जैसे कि राजस्थान के संदर्भ में रासो साहित्य, वेली साहित्य, ख्यात साहित्य, प्राकृत साहित्य, पाली साहित्य, विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे वृत्तांत, और सबसे महत्वपूर्ण है संस्कृत साहित्य। साहित्यिक साधन जो है उसके अंदर हम बात करते हैं रासो साहित्य, वैली साहित्य, ख्यात साहित्य, प्राकृत साहित्य, पाली साहित्य, विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए वृत्तांत और संस्कृत साहित्य। इस श्रृंखला में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं रासो साहित्य। राजस्थान में वीर रस की गाथा रासो साहित्य के अध्ययन के अंतर्गत की जाती है। रासो साहित्य के अंतर्गत हम निम्न ग्रंथों को, हालांकि हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को राजस्थान के साहित्य जो एक हम अध्ययन करेंगे टॉपिक का, राजस्थान जो कल्चर का मेरा एक पार्ट है राजस्थान के भाषा और राजस्थान की भाषा और साहित्य का, उसमें अध्ययन करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर इतिहास के माध्यम, इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से रासो साहित्य महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, उससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसकी जानकारी हमको यहाँ पर प्राप्त करनी आवश्यक है। रासो साहित्य के अंतर्गत हम निम्न पुस्तकों की बात करते हैं। पहला है पृथ्वीराज रासो, पहले बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पहला, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है,
पहला लेखक। हम सबको पता है पृथ्वीराज राजसो का लेखक, बहुत इजी क्वेश्चन अगर बनता है तो कि पृथ्वीराज राजसो का लेखक कौन है, तो चंद्रवरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि भी है और पृथ्वीराज चौहान के बाल सखा भी है। और चंद्रवरदाई ने ही पृथ्वीराज राजसो नामक पुस्तक लिखी। पहला क्वेश्चन लेखक चंद्रवरदाई। दूसरा कि इस पुस्तक का संपादक कौन है, संपादक यानी किसे इसको, इस पुस्तक को पूरी किसने की है। तो हमें जैसा कि पता है चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करके मोहम्मद गोरी ले गया था, तो इस पुस्तक को चंद्रवरदाई के बाद इसका संपादन किया है चंद्रवरदाई के पुत्र जनहड़ ने। ये क्वेश्चन एक बार पूछा, हालांकि ये क्वेश्चन दो तीन बार पूछा जा चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार आता है आया है। अगर इस पुस्तक के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो लेखक वाला क्वेश्चन चंद्रवरदाई का है वो सरल आ जाएगा, लेकिन जलगढ़ पर पहुंचता है वो ये क्वेश्चन कठिन बनता है। अर्थात पृथ्वीराज राजसो का लेखक चंद्रवरदाई, संपादन किसने किया है, जलगढ़ ने किया है। जलगढ़ कौन है, तो चंद्रवरदाई का पुत्र है। इसी पुस्तक में लिखा गया है जैसा कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में प्रसिद्ध है, चार बास चौबीस गज अंगुल प्रमाण चौहान, ये सारा का सारा दोहा इसी के अंदर लिखा गया है। और ये तो इसके लेखक चंद्रवरदाई है, लेकिन संपादक कौन है, तो जनरल है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज, हाँ ये क्वेश्चन बनता नहीं है क्योंकि छोटे सरल क्वेश्चन की गिनती में आता है कि पृथ्वीराज राजसो में किसकी जानकारी है, तो पृथ्वीराज राजसो में पृथ्वीराज तृतीय की जानकारी है, पृथ्वीराज थर्ड की जानकारी है। और इसे ही हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, जिसका अध्ययन हम अजमेर के चौहानों के अंतर्गत करेंगे। पृथ्वीराज राजसो कई जगह पे ऐसा भी कहा गया कि हिंदी साहित्य का ग्रंथ है और हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ होने का गौरव भी पृथ्वीराज राजसो को प्राप्त है। लेखक चंद्रवरदाई, संपादक जलगढ़, किसकी जानकारी है, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड, कहां कहा तो अजमेर के चौहान की जानकारी है। किसकी जानकारी है, अजमेर के चौहानों की जानकारी है। और इसी के अंदर लिखा गया है चार बास पर जो एक महत्वपूर्ण उक्ति है उसे इसमें लिख दिया गया है, चार बास चौबीस गज अंगुल प्रमाण। दूसरी पुस्तक आती है इसके अंदर खुमान राजसो, दूसरी पुस्तक राजसो साहित्य के अंतर्गत हमने दूसरी पुस्तक की बात करते हैं, खुमान राजसो। खुमान राजसो पहला क्वेश्चन खुमान राजसो से बनता है, खुमान राजसो के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है दलपत भी है, दलपत भी है। दूसरा क्वेश्चन अगर इससे बनता है खुमान राजसो में किस वंश की जानकारी दी गई है, तो इसमें दी गई है मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी दी गई है। किसकी दी गई है, मेवाड़ के गुहिल। हालांकि इस पुस्तक का एक बार केवल लेखक पूछा गया है, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन इसके संदर्भ में आया नहीं है, पर फिर भी हम बात करते हैं खुमान राजसो किसने लिखी, दलपत विजय, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। लेकिन अगर वो आरपीएससी या अधिवेशन बोर्ड एक कदम आगे बढ़ता है और एक कदम आगे बढ़ने के बाद ये कहता है कि इस पुस्तक में किस वंश की जानकारी, तो हम मेवाड़ के गुहिल राजवंश, जिसे हमने कहा है सिसोदिया राजवंश, इसकी जानकारी इसके अंदर मिलती है, सिसोदिया राजवंश की। अब इसमें खुमान नामक एक मेवाड़ का शासक है और खुमान ऐसा कहा जाता है कि खुमान अपने जीवन में एक भी युद्ध जीता नहीं, इसीलिए इसकी तुलना की जाती है एक सम्राट है, सम्राट का नाम है सीजर। क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट कि कौन से शासक की तुलना सीजर से की जाती है या मेवाड़ के किस शासक की तुलना सीजर से की जाती है, तो खुमान नामक जो शासक है मेवाड़ का उसकी तुलना सीजर से की जाती है, यह महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट आपके राजसो साहित्य के अंदर आता है हमीर राजसो। कौन सी पुस्तक है, हमीर राजसो। अब हमीर राजसो नामक जो पुस्तक है इस शीर्षक पर दो लेखकों ने पुस्तक लिखी, हमीर राजसो, एक लिखी है सारंगधर ने और दूसरी लिखी है जोधराज ने। दोनों पुस्तकों का शीर्षक है हमीर राजसो, एक है इतिहास, एक लेखक है सारंगधर, एक है जोधराज। और इन दोनों के अंदर रणथंभौर के चौहान हमीर देव चौहान की जानकारी है। हमीर देव चौहान जिसके बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि हमीर देव चौहान रणथंभौर का चौहान है और रणथंभौर का चौहान है और जो अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था,
और उसके लिए कहा होते हैं सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूसरी बार। ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए अगर हमीर अपनी हट पर चढ़ जाए तो किसी की बात नहीं मानता था। जैसा कि उसने अलाउद्दीन खिलजी के दो भगोड़े सेनापति कैबरो और मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी। मीर मोहम्मद शाह और दूसरा था के हबरो। ये क्वेश्चन मीर मोहम्मद शाह वाला पूछा गया है एक बार कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को इसने हमीर जो हमीर है उसने शरण दी थी। तो मीर मोहम्मद शाह केबरू का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। तो आपको कहा जाए कि हमीर रासों में किसका उल्लेख है तो रणथंभौर की चौहानों का। और रणथंभौर की चौहान कौन से, तो हमीर देव चौहान। कौन है, हमीर देव चौहान। अगर आपसे पूछा जाए कि हमीर रासो नामक पुस्तक किसने लिखी तो सारंगधर भी आएगा, जोधराज भी आएगा, दोनों ने इसी शीर्षक पर पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट हम रासो साहित्य में बात करते हैं बिस्सल देव रासो। चौथी पुस्तक है बिस्सल देव रासो जो महत्वपूर्ण है उसकी बात करेंगे। बाकी सारी की सारी पुस्तकों का हम डिटेल करेंगे राजस्थान की भाषा और साहित्य में। बिस्सल देव बिस्सल देव रासो का लेखक जो है वो नरपति नाग है। नरपति नाग। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बिस्सल देव रासो नामक पुस्तक में महिला पात्र का क्या नाम है। उस समय लोगों को पता नहीं था महिला पात्र के नाम पर वो पद्मावती को कराए थे, पर ये कथा जो है बिस्सल देव रासो जिसमें नरपति नाग में विग्रहराज चतुर्थ जो चौहान शासक है और सांभर के चौहानों में इनकी गिनती आती है, विग्रहराज चतुर्थ जिन्हें बिस्सल देव भी कहा जाता है, बिस्सल देव भी कहा जाता है, जिन्होंने बिस्सलपुर नामक कस्बा बसाया था। विग्रहराज चतुर्थ की जानकारी संपूर्ण रूप से बिस्सल देव रासो आती है जिसका लेखक है नरपति नाग। और इन्होंने नरपति नाग ने इस पुस्तक में बिस्सल देव रासो द्वारा अपनी प्रेमिका राजमती, अब देखिए क्वेश्चन यहां पर बना था कि बिस्सल देव रासो में महिला पात्र की भूमिका का क्या नाम है, तो राजमती है। बिस्सल देव रासो में नरपति नाल ने लिखा है कि कैसे विग्रहराज चतुर्थ उर्फ बिस्सल देव ने अपनी प्रेमिका राजमती के कहने पर बंगाल से पुष्प और हीरे मंगवाए थे। क्या मंगवाए थे, हीरे मंगवाए थे। बिस्सल देव रासो नरपति नाल लिखते हैं विग्रहराज चतुर्थ राजमती जो कि उनकी प्रेमिका है उनके कहने पर बिस्सल देव ने बंगाल जाकर अनोखा पुष्प और हीरे लाए और इसी शर्त पर राजमती ने विग्रहराज से विवाह किया था। ये राजमती जो थी ये भोज परमार की पुत्री थी, भोज परमार की पुत्री थी और भोज परमार की जो पुत्री है उसका नाम राजमती है। और राजमती से विवाह करने जब विग्रहराज चतुर्थ मालवा गए तो मालवा में उन्होंने देखा एक संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, और इसी संस्कृत विद्यालय की तर्ज पर विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में भी एक संस्कृत विद्यालय बनवाया। वो हम राजस्थान के इतिहास से बात करेंगे। और उसी संस्कृत विद्यालय को वर्तमान में ढाई दिन का झोपड़े में परिवर्तित कर दिया गया है। अंतिम पुस्तक जो महत्वपूर्ण है रासो साहित्य के अंदर जिसका नाम है विजयपाल रासो, चौथी पुस्तक है विजयपाल रासो, विजयपाल रासो। पहला क्वेश्चन इससे ये बनेगा विजयपाल रासो के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है नल सिंह। नल सिंह ने इस पुस्तक में, अगर दूसरा प्रश्न ये बनता है कि तेरा मसाला भी बन नहीं सकता है, बन भी सकता है पर इतना इंपोर्टेंट नहीं बनता है, बन जाएगा तो कठिन क्वेश्चन की गिनती में आएगा कि विजयपाल रासो किसने लिखी, तो नल सिंह ने लिखी। और नल सिंह इस विजयपाल रासो में किस वंश का उल्लेख करते हैं, वंश आते ही ये क्वेश्चन बन जाएगा आपके कठिन और उसके बाद इसमें करने में थोड़ी सी मुसीबत आएगी। पर फिर भी हम बात करते हैं यहाँ पे नल सिंह ने विजयपाल रासो में लिखी है यादव वंश जो कि करौली का वंश है, यादव वंश
करौली में एक माता भी है जिनकी बात हम लोग देवी देवता में करेंगे, और माता का नाम है केला देवी, केला देवी। तो नंद सिंह जो है वो विजयपाल रासो में यादव वंश की जानकारी देते हैं जो कि करौली से संबंधित है। हमने बात की है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में पहली बात की रासो साहित्य, रासो साहित्य में हमने पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, विजयपाल विश्वदेव रासो, हमीर रासो और विजयपाल रासो की बात की है, और उनके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आने चाहिए या आ सकते हैं या आ चुके हैं उनकी बात की है। द्वितीय हम बात करते हैं ख्यात साहित्य, दूसरी बात करते हैं हम ख्यात साहित्य की, ख्यात साहित्य, और इसका अध्ययन हम कल के वीडियो में करेंगे। ओके, धन्यवाद।